नहीं हंसेंगे ना, तो चलिए मेरा प्ले बटन क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? मैंने ना इसे बॉटल में लगाया हुआ है। मैं वाली हूँ, मेरा शॉर्ट वीडियो का प्ले बटन आ गया है। आज 6th day हो गया है। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा मेरे से लेट हो गया है। मेरा शमी का पेड़ वापस आ गया है। नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्लोरियस शिल्पी। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। सो जो आज का व्लॉग है, ये है स्पेशल छठ व्लॉग। छठ मीन्स छठी व्लॉग, कृष्णा जी की, कान्हा जी की छठी का व्लॉग है, जो कि आज 6th day हो गया है। आई नो ये वीडियो थोड़ा सा मेरे से लेट हो गया है अपलोड करने में, बिकॉज घर में इतने सारे काम थे, उसके बीच में बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मुझे ये वीडियो अपलोड करना है। एंड साथ में पैर में मेरे ना फिर से चोट लग गई है, पता नहीं पैर में ग्रहण लगा हुआ है कि क्या, पता नहीं कभी नस चढ़ जाती है तो कभी नीचे वाला तलवा है उसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है अपने आप। सो आज जो है कृष्णा जी की छठी में मैंने काफ़ी सारे पकवान बनाए हैं, मतलब काफ़ी सारा उनके लिए भोग बनाया है, जो कि मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और साथ में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मेरा शॉर्ट वीडियोज़ का प्ले बटन आ गया है, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो क्या है। सो बेसिकली आज का जो व्लॉग है वो कृष्णा स्पेशल है, उनकी छठ का स्पेशल है। सो चलिए देखते हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या कान्हा जी के लिए क्या क्या मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बनाया, क्या क्या दोपहर में बनाया, रात वाला तो मैंने शूट करना भूल गई। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट दर्शन। तो दोस्तों, यहाँ मैं आ गई किचन में और मैंने कान्हा जी के लिए छोटी छोटी सी प्यारी सी पूड़ियाँ निकालना शुरू कर दी। और यहाँ पर उनकी छोटी सी प्लेट में छोटी छोटी दो कटोरियाँ, जिसमें एक में मैं निकाल रही हूँ खीर और उसमें डाल रही हूँ मेवे, और दूसरी में मैं बना रही हूँ सादे से आलू की सब्ज़ी, जिसमें प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया है मैंने बिल्कुल भी, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। तो यहाँ पर दो छोटी छोटी प्यारी सी पूड़ियाँ, तो बस ये आज का सुबह का नाश्ता कान्हा जी का यही रहेगा। सो चलते हैं, आप कान्हा जी को इसका भोग लगाते हैं। तो ये देखिए, ये नाश्ता आ गया है सुबह का कान्हा जी का, इससे कान्हा जी का पेट अच्छे से भर जाएगा। तो हम यहाँ पर छोटा सा कौर निकालेंगे और खीर और आलू की सब्ज़ी से उनका भोग लगाएंगे, उनको भोग लगाएंगे। यहाँ कान्हा जी खा रहे हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगा है, मुझे लग रहा है। और यहाँ पर हम उन्हें थोड़ा सा झूला भी झुलाएंगे ताकि उन्हें खाना खाने में मज़ा आए, वो नाटक ना करें खाना खाने में, क्योंकि बच्चे भी बहुत नाटक करते हैं खाना खाने में। तो मैं चाहती हूँ कान्हा जी खुशी खुशी खाएँ। सो यहाँ पर उन्होंने खा लिया है और अब यहाँ पर ना कान्हा जी को हम पानी पिला रहे हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद पानी पीना तो ज़रूरी है। तो यहाँ हम उनका मुँह पोंछ दे रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे कान्हा जी बहुत छोटे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं दोपहर के खाने की तरफ। तो यहाँ मैंने कढ़ी बनाई है, चावल है, रोटी है, खीर है और उनका फेवरेट मक्खन मिश्री है। तो यहाँ हम उन्हें कढ़ी, चावल, सब चीज़ों का भोग लगा रहे हैं। तो उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया है, उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पर हम उन्हें खीरा भी खिला रहे हैं। खाना खाने के बाद पानी पियेंगे और यहाँ उनका मुंह पोंछ दिया है। सो चलिए अब हम चलते हैं, चलते हैं उनको मिश्री का भोग लगाने के बाद। तो हो गया इनका भोग, चलिए अब हम चलते हैं। सो मैं वापस आ गई, आपने देखा ना कि मैंने कान्हा जी का छठ कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया। सो अब हम इसी उपलक्ष में ना मेरे पास आ गया है मेरा शॉर्ट वीडियोस का प्ले बटन, जो कि ऐसे करके होता है ना, आपने देखा होगा। सो प्लीज़ मैं आपको दिखाऊंगी तो, पर आप हंसिएगा नहीं, पक्का ना, पक्का ना, नहीं हंसेंगे ना, तो चलिए आपको दिखाती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सो ये देखिए, सो ये है मेरा प्ले बटन, क्या आप देखने के लिए तैयार हैं? ये है जी हाँ, ये है मेरा प्ले बटन। इसी को देख के मैं खुश हो रही हूँ कि मुझे शॉर्ट वीडियोस का प्ले बटन मिला। तो ये लौकी, और अब इसका शेप देखो। सो मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे तुम इसको ऐसे करके रख लो, थोड़ा नागिन वाला तुम्हारा असली अवतार बाहर आ जाएगा। तो यार इस तरह की लौकी कौन लाता है, ऐसे जिगजैग लुक में ये लौकी, मतलब कुछ भी बन सकती है, लौकी का कुछ भी रूप बन सकता है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो हस्बैंड ने बोला कि लो तुम्हारा शॉर्ट वीडियो का प्ले बटन आ गया है। तो मैंने सोचा यार अच्छा अच्छा ऑप्शन है वीडियो शूट करने का, और मतलब कंटेंट बढ़िया है, लौकी भी बेचारी एड में आ जाएगी और
यार हंसो नहीं यार, मतलब हंसे ही जा रहे हो आप लोग। मेरा प्ले बटन आएगा, असली में भी आएगा। कोई बात नहीं, होता है हर किसी के साथ, थोड़ा टाइम लगेगा। और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे, आप लोग अगर प्यार ही नहीं दोगे, तो कैसे मेरे मेरा सिल्वर प्ले बटन आएगा एंड मेरा शॉर्ट वीडियो प्ले बटन आएगा। और आप सब्सक्राइब भी तो नहीं कर रहे हो, और सबसे मस्ट हैव कि आप मेरे वीडियोस को ना, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि स्किप करके बिल्कुल भी मत देखा करिए, बिकॉज मेरा अभी नया चैनल है, तो मुझे अभी बहुत ही लंबी जर्नी तय करनी है 1K सब्सक्राइबर में पहुंचने के लिए। सो उसमें सिर्फ आप ही का सपोर्ट चाहिए मेरा, तो मैं जितनी कोशिश कर पा रही हूँ, अपने बीच का टाइम निकाल कर, अपने सोने का टाइम, अपने खाने का टाइम निकाल कर मैं आपके लिए शूट करती हूँ। सो आपसे जितनी भी कोशिश हो सके, मेरे वीडियोज़ को पूरा देखें, ताकि मेरा टाइम 4000 घंटा, मतलब 4000 घंटा जब मेरा कंप्लीट होगा ना, तभी मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज होगा एंड 1K सब्सक्राइबर के बाद ही होगा। सो ये दोनों चीज़ें प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करने में मेरी हेल्प कीजिए प्लीज़। सो अभी तो मेरे बस 230-240 सब्सक्राइबर हैं। सो आपकी अगर हेल्प होगी तो मैं बहुत ही जल्दी 1K सब्सक्राइबर तक पहुंच जाऊंगी, फिर 10K, फिर 100K, तो ये सब आपके साथ ही होगा। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, क्योंकि मुझे शॉर्ट प्ले बटन मिल गया है, और अब हम ना कान्हा जी की छठ हो गई है। सो कान्हा जी को हम कल जो है ना, उनके पुराने स्थान पर, मतलब उनके सिंहासन में शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अभी तक तो वो झूले पे थे, क्योंकि 6 दिन तक वो झूले में झूलते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे यहाँ सामने मंदिर है, हरीरा सुठेला वगैरह बनेगा, वो सब भी हम लोग खाएंगे, और फिर भगवान जी को उनके रूम में शिफ्ट कर देंगे। और आज हम बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम के बाद जा रहे हैं टेरेस पे, जहाँ पर आपको भी लेकर चलेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे पेड़ खराब हो गए थे, आपने देखा है, और आपको मेरे वो प्लांट्स बहुत पसंद है। सो चलिए चलते हैं और आपको वहाँ के प्लांट्स दिखाते हैं कि वहाँ पर प्लांट्स जो है, नींबू का जो प्लांट था ना, आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं लिंक लगा दूंगी। सो वो जो नींबू का पेड़ था, उसमें बहुत सारे नींबू, मतलब 1-2 किलो नींबू होते थे, और वो सिर्फ इतना बड़ा पेड़ था, बट अभी वो बारिश की वजह से खराब हो गया है। सो शमी का पेड़ भी खराब हो गया था। सो चल के देखते हैं कि छत पर पेड़ों की क्या हालत है। सो चलिए मेरे साथ। कितने सारे पेड़ लग गए हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी मेरा शमी का पेड़ वापस आ गया है यार। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, और ये कितना हरा भरा है, मैं आपको दिखाऊं पहले इसकी मेन स्टिक जो कि बिल्कुल सूख चुकी थी, मैं ना इसे निकाल कर फेंकने वाली थी। सो ये देखिए, ये वाली स्टिक जो ये है, तो ये ऐसा हो गया था, एंड अभी ये कितना घना हो गया है। हे समीदेव, मतलब ये कितना घना हो गया, और देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही, मुझे लगा ये भी मतलब ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हो गया होगा, लेकिन ये एकदम बला चंगा है। बहुत खुशी हो रही देख के। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, मैंने ना इसे बॉटल में लगाया हुआ है, इसमें काफ़ी सारे कलर्स हैं, ये देखिए बहुत प्यारा है। एंड ये सब मैंने बॉटल्स में, आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, ये सब मैंने ना बॉटल्स में, जो वेस्ट बॉटल है ना, उनमें लगाया हुआ है। ओ गॉड। सो ये देखिए, एंड ऊपर भी जितने हैं ना, एंड ये अडेनियम का जो प्लांट है ना, मैं 50 रुपीज़ का लेकर आई थी। सो ये अडेनियम का प्लांट है ना, अगर आप मिट्टी के पॉट में लगाते हो तो बहुत ही लंबा चलता है, बहुत ही बढ़िया चलता है। सो ये देखिए, ये है जेड, ये एलिफेंट बुश वाला जेड है। सो ये भी काफ़ी घना लग रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर कड़ी पत्ती तो बेचारी जानी देने वाली है। एंड ये देखिए, ये सो मेरे यहाँ एलोवेरा आपको बहुत मिलेगा, बहुत एलोवेरा लगता है, और मैं अपने बालों में ना बहुत ज़्यादा एलोवेरा अप्लाई करती हूँ। सो ये देखिए, ये इसमें पानी भर गया था ना, तो ये अंदर से सड़ रहा है। ये एक एलोवेरा, ये एक एलोवेरा, ये एलोवेरा, ये। सो ये देखिए कितना हैवी, कितना मोटू सा है।
और बाकी सारे प्लांट्स अपने आई थिंक पहले भी देख रखे होंगे, बट मैं आपको एक बार फिर से दिखाती हूँ। सो ये देखिए, ये लगा है। एंड ये मनी प्लांट थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रहा है यहाँ से, ये ज़्यादा पानी की वजह से ना गल रहा है। एंड ये देखिए ये वाला मनी प्लांट, एंड ये लाइन से आप देखो कितने सारे पेड़ लगे हैं। और ये तो ना, ये तो एकदम जैसा लग रहा है बुके है, एकदम पर्पल कलर का, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो ये बारिश में और धूप में बहुत अच्छा चलता है। सो यहाँ पर भी लगा हुआ है, दो जगह पर लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पर आप ये देखो जेड कितना घना भरा ही हुआ है एकदम, ये देखिए इतनी लंबी लंबी इसकी पत्ती है, कितनी बड़ी बड़ी। ये तो पेड़ आप जहाँ भी डाल दो ना वहीं पर ही हो जाते हैं। एंड इधर मेरा क्रिसमस का पेड़। सो प्लांट्स को देख के ना एक अलग ही दिल में खुशी होती है। तो मैं ना यहाँ पर अपना वीडियो, यहाँ पर अपने ट्राइपॉड सेट कर देती हूँ, थोड़ा सा फंसा कर देखती हूँ फंसता है कि नहीं। सो ट्राइपॉड फंस गया है। और ये देखिए मेरा टेरेस यार, ये ट्राइपॉड जो गोरिल्ला वाला ट्राइपॉड होता है ना, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है। आप इसको कहीं भी सेट कर लो, आपको कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं, आपको किसी भी अगर किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, और आप आराम से अपनी वीडियोस को ऐसे शूट कर सकते हो एकदम फ्री फ्री। तो आज मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर छत पर शीशा क्या यार, मतलब कितनी कितना खुश कौन हो जाता है। छत पर खिड़की है तो उस पर अच्छे से अटैच हो गया है, मतलब वो आप थोड़ा सा स्पेस, जैसे यहाँ है ना ये वाला तार, यहाँ पर भी टांग दोगे तो वो लग जाएगा। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरा पर्सनल फेवरेट वाला प्लांट। ये है वो मनी प्लांट, और नियॉन कलर का है। तो मुझे वैसे भी मनी प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो किसी भी दशा में ग्रो हो जाते हैं। सो ये वाला तो नियॉन है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी से ऐसे से भर जाए। कितना क्यूट है ना ये, अपनी बनाई हुई चीज ना उनका मजा ही अलग होता है। आप छोटी से छोटी चीजों को खुद DIY करो, आपको दिल से बहुत ज्यादा खुशी होती है। सो आपको मैंने अपना अपने कान्हा जी का जो है ना वो छठी का, छठी की पूजा भी आपके साथ शेयर करी है, और आपके साथ अपना प्ले बटन, शॉर्ट प्ले बटन भी आपके साथ शेयर किया है, और आपके साथ अपनी पूरी छत शेयर की है। सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसा लगा आज का वीडियो। बहुत ही लंबा नहीं है, शॉर्ट वीडियो शूट किया है, और बहुत जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाली बहुत सारे मेकअप वीडियोस, बहुत सारी अनबॉक्सिंग, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स मंगा रही हूँ वो धनाधन आते जा रहे हैं। तो बस उसे भी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो कैसा लगा आज का वीडियो, जल्दी से लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।